Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is bending failure in quarter joint and knuckle joint. In last lecture, we see the problem on offset link and the offset. The learning outcome of today's lecture are learner should be able to design quarter joint and knuckle joint under bending stress for given load. The various program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcome are PSO1, PSO2 and PSO3. Figure shows the quarter joint. It is called as a quarter joint. Then there are the different parts in the quarter joint. First one is a spigot, that is in the green color. Next one is a spigot collar, जो आपको यहाँ पे green color में दिख रहा है, extended portion, इसको बोलते हैं spigot collar. Next one is a socket collar, जो यहाँ पे दिख रहा है ये white वाला. With enlarged diameter, इसको क्या बोलते हैं socket collar. Next one is a socket, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये white color में, इसको क्या बोलते हैं socket. मतलब ये पूरे part को ही क्या रहेंगे, socket रहेंगे. Next one is the quarter, जो आपको यहाँ पे brown color में दिख रहा है या golden color में दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं quarter. And last one is the rod, तो ये क्या है आपका rod. Now we are seeing this is a quarter joint. तो quarter joint के कितने part है आपके, first one is the quarter, second one is the spigot and third one is the socket. तो मुझे अभी ये स्लाइड में क्या देखना है, क्वार्टर के कौन से डायमेंशन है, स्पिगोट के कौन से डायमेंशन है और सॉकेट के कौन से डायमेंशन है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वार्टर के डायमेंशन कौन से है, बी टी एंड एल. तो अपन देखते हैं दिस वन इज अ क्वार्टर, जो मुझे ब्राउन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ क्वार्टर. तो इसका जो लेंथ रहेगा यहां से लेके यहां तक, ये क्या रहेगा क्वार्टर का विड्थ, जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कितने से शो कर रहा हूँ, बी से. मतलब ये बी कौन सा हो गया, दैट इज अ विड्थ ऑफ द क्वार्टर, जो मैंने यहाँ पे शो किया है या फिर मैं यहाँ पे डायग्राम में बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज अ विड्थ ऑफ क्वार्टर. देन टी क्या है, थिकनेस ऑफ द क्वार्टर, तो ये कहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ थिकनेस ऑफ क्वार्टर, और यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ थिकनेस ऑफ द क्वार्टर. देन एल क्या है, लेंथ ऑफ द क्वार्टर, मतलब क्वार्टर का यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ रहेगा दैट इज अ स्मॉल एल. जैसे ये क्वार्टर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है इसका कितना है, स्मॉल एल. देन अपन सेकंड देखते हैं स्पिगॉट. तो स्पिगॉट में पहला जो डायमेंशन है D2, क्या है D2. तो अभी देखते हैं अपन D2 क्या है, यहाँ पे दिस इज अ D2. तो D2 क्या है, डायमीटर ऑफ द स्पिगॉट और इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट. तो ये क्या है आपका स्पिगॉट है. तो ये स्पिगॉट का जो डायमीटर रहेगा, ये जो डायमीटर है ये कितना है, दैट इज कॉल्ड एज अ D2, और इसी को ही कह सकते हैं आप इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट. देन D3 क्या है, D3 इज अ डायमीटर ऑफ द स्पिगॉट कॉलर. तो अभी देखते हैं स्पिगॉट कॉलर कौन सा है मेरा, ये है. तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, यहां से ये पूरा इसका जो डायमीटर रहेगा स्पिगॉट कॉलर का, ये कितना रहेगा D3, जो मैंने यहां पे शो किया है D3, दैट इज अ डायमीटर ऑफ द स्पिगॉट कॉलर. देन मेरा T1 क्या है, T1 इज द थिकनेस ऑफ द स्पिगॉट कॉलर. क्या है, T1 इज द थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर. जैसे ये मेरा स्पिगॉट कॉलर है, तो यहां से लेके यहां तक ये इसको क्या बोलेंगे अपन, थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर, जो मैंने यहाँ पे शो किया है T1 इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर. तो T1 क्या इंडिकेट करेंगे, दैट इज द थिकनेस ऑफ द स्पिगॉट कॉलर. देन नेक्स्ट डायमेंशन इज द A. तो A क्या है, A इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द स्पिगॉट. मतलब यहाँ पे देखिए ये जो स्पिगॉट है, यहां से लेके यहां तक गया है सॉकेट के अंदर, तो यहां से लेके ये स्लॉट तक का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल ए. जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरा स्पिगॉट कहाँ तक गया है, सॉकेट में यहाँ तक, तो यहां से लेके ये जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज अ स्मॉल ए. तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द स्पिगॉट. नाउ वी आर अगेन सीइंग द डायमेंशन ऑफ द सॉकेट.
तो ये क्या है, सॉकेट है। तो सॉकेट के कौन से डायमेंशन है, D1, D4 एंड C। तो अभी सबसे पहले देखते हैं अपन D1 क्या है। तो D1 क्या है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। तो ये आपका सॉकेट है, तो इसका जो डायमीटर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज D1, जो मैंने यहाँ पे शो किया है, दैट इज आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। देन D4 क्या है, डायमीटर ऑफ द सॉकेट कॉलर, जो यहाँ पे शो हुआ है। D4 क्या है, डायमीटर ऑफ द सॉकेट कॉलर। तो सॉकेट कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे। तो ये जो डायमीटर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज D4। देन सी क्या है, थिकनेस ऑफ द सॉकेट कॉलर, मतलब इसका जो थिकनेस रहेगा वो किससे डिनोट करूंगा, मैं सी से डिनोट करूंगा। तो यहाँ पे आप अपना वीडियो पॉज कीजिए और पूरे डायमेंशन जो है वो अच्छी तरीके से आइडेंटिफाइड कीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर अपना जो डिजाइन प्रोसीजर ऑफ क्वार्टर जॉइंट आगे का डिपेंड रहेगा। अगर आपको ये डायमेंशन नहीं आएंगे तो आगे के जो स्टेप थे वो भी नहीं समझेंगे। नाउ वी सी फेलियर ऑफ क्वार्टर इन बेंडिंग। यहाँ पे क्वार्टर इंसर्ट है आपका इन बिटवीन द पिवट एंड द सॉकेट। When we are applying the equal and opposite force on this quarter joint, then what happens? This quarter will be bent from here. Quarter क्या होगा, यहाँ से bend होगा, because मैं इसको यहाँ से force लगा रहा हूँ। तो ये pivot क्या करेंगे, इसको इस direction में force apply करेंगे। Similarly, इसको मैं इस side में force लगा रहा हूँ, तो मतलब ये force कहाँ से act होगा, यहाँ पे act होगा और यहाँ पे act होगा। वही मैंने यहाँ पे बताया, force will be applying from here and force will be applying from here and applying from the here. तो यहाँ पे देखिए, ये जो फोर्स यहाँ से पी लग रहा है, तो यही फोर्स क्वार्टर से क्या, क्वार्टर पे यहाँ पे आ रहा है, P/2, P/2, मतलब ये पी हो गया। इट इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द क्वार्टर। सिमिलरली ये जो फोर्स मैं यहाँ से पी लगा रहा हूँ, तो इट विल बी डिवाइडेड हियर P/2 एंड P/2 हियर। तो ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये क्या है, आपका ट्रायंगल है, ओके। नाउ अपने को निकालना है ये जो P/2 फोर्स है, यहाँ पे सेंटर में एक्ट होगा ऑन द ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी रहेगी, ये निकालने के लिए अपने को देखना पड़ेगा। ये जो डायमेंशन है ये कितना है आपका, D4 है। देन ये कितना डायमेंशन है आपका, D2 है। अगर मैं D4 माइनस ये D2 करता हूँ तो मुझे ये हाइट भी मिल रही है और ये हाइट भी मिल रही है। तो डिवाइड अगर 2 करता हूं तो मुझे कौन सी हाइट मिल गई, दिस हाइट आई विल गेटिंग। तो अभी ये ट्राइंगल का सेंट्रल कहां पे रहता है, हाइट का 1/3, ओके। मतलब ये जो फोर्स एक्ट होगा आपका P/2, ये सेंट्रल पे एक्ट होगा, दैट्स व्हाई 1/3 इनटू D4 माइनस D2 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे एक्ट हो रहा है। इतना समझ में आया। सिमिलरली नेक्स्ट, ये P/2 जो फोर्स है, अभी ये एक्सिस के ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे P/2 एक्ट हो रहा है, ये भी सेंटर में एक्ट होगा। तो इतना डिस्टेंस कितना आपका, D2 है, ओके। तो इसके अगर मैंने 4 पार्ट करता हूँ, 1, 2, 3 और 4, मतलब ये 1/4 पे एक्ट होगा, मतलब इतना डिस्टेंस कितना रहेगा आपका, 1/D2/4, ओके। तो आगे में देख, ये आपने पहले ही देखा है हाउ द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी एक्टिंग ऑन द क्वार्टर, एंड ये मैंने डिस्टेंस कैसे निकाला ये भी देखा है। तो अभी मुझे क्या निकालना है, ये क्वार्टर पे बेंडिंग स्ट्रेस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है इक्वेशन, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट द सेंटर ऑफ द क्वार्टर एंड इज गिवन बाय। तो अभी मैं एक्सिस, ये एक्सिस जो दिख रहा है, एक्सिस के ऊपर का मैं बेंडिंग मोमेंट लूंगा, ओके। तो सबसे पहले कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे, P/2, ओके। तो P/2 से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा आपका, अभी P/2 इंटू 1/3 इंटू D4 माइनस D2 डिवाइड बाय 2, ओके। प्लस अभी इसमें डिस्टेंस कौन सा ऐड होगा, अगेन इतना डिस्टेंस है D2 है, मतलब ये डिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज मैं सेंटर से मूवमेंट ले रहा हूँ, प्लस D2 डिवाइड बाय 2। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण मैंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। अभी ये मूवमेंट जो ये फोर्स की वजह से इसमें और मूवमेंट ऐड होगा, दैट्स व्हाई ये जो मोमेंट आएगा अबाउट द सेंटर ये कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा, दैट्स व्हाई माइनस P/2 इनटू D2 डिवाइड बाय 4, ओके। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा इक्वेशन क्या आ रहा है, P/2 D4 माइनस D2 डिवाइड बाय 6 प्लस D2 डिवाइड बाय 4। नाउ सेक्शन मॉडुलस क्या रहता है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपने देखा है क्वार्टर में, तो इसके सेक्शन मॉडुलस क्या रहता है, TV² डिवाइड बाय 6। तो मुझे बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, बेंडिंग मोमेंट अपॉन द सेक्शन मॉडुलस।
That's why ये equation divided by TB square divided by 6. So from this equation we can calculate the bending stress induced in the quarter. Okay. So that is all about the bending stress developed in the quarter joint. Now we see failure of knuckle pin in bending. इसके लिए आप पहले सबसे पहले यहाँ पे एक वीडियो देखते हैं अपन और उससे क्लियर करते हैं हाउ द नकल पिन विल बी बेंड. सी हियर दिस इज अ नकल पिन. व्हेन वी आर अप्लाइंग द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द नकल पिन द नकल पिन विल बी बेंड फ्रॉम हियर. ये दिख रहा है ये क्या हो रही है नकल पिन यहाँ पे बेंड हो रही है. इन दिस वे द बेंडिंग इन द नकल पिन विल ऑकर. Now we see the failure of knuckle pin in bending. तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है this is called as a knuckle pin, okay? तो आपने knuckle joint में देखा था ये जो distance रहता है ये कितना रहता है that is called as a thickness of the force that is a T1. Similarly this distance is also the T1. और ये जो distance रहता है that is called as a T, that is called as a thickness of the single end. तो जब मैं इसको नकल जॉइंट को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये नकल पिन को यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा यहाँ से फोर्स अप्लाई होगा सिमिलरली यहाँ से फोर्स अप्लाई होगा. ओके तो अभी मुझे देखना है ये फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा. तो ये जो लोड आ रहा है नकल पिन पे ये क्या हो रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जैसे अपन ने क्वार्टर जॉइंट में भी देखा था. ओके तो मुझे निकालना है ये जो डिस्टेंस है ये कितना आपका T1 है तो ये P/2 कहाँ पे एक्ट होगा हाइट का ये जो हाइट दिख रहा है ट्रायंगल का इसके 1/3 मतलब T/2 ये कहाँ पे एक्ट होगा ये जो डिस्टेंस कितना होगा T1/3. ओके सिमिलरली ये P/2 एक्ट होगा ये कहाँ पे एक्ट होगा ये अभी हाफ डिस्टेंस कितना हो गया आपका T/2 तो T/2 के हाफ डिस्टेंस में मतलब T/4 में क्या होगा आपका ये P/2 एक्ट होगा यहाँ पे. ओके वाई P/2 बिकॉज वी आर टेकिंग द सेक्शन हियर सेक्शन के ऊपर में P/2 एक्ट हो रहा है नीचे में P/2 एक्ट हो रहा है सिमिलरली हियर P/2 यहाँ पे एक्ट हो रहा है P/2 यहाँ पे एक्ट हो रहा है बिकॉज आपने फोर्स कितना अप्लाई कर रहे थे P. देन वी आर टेकिंग द बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस सेंटर लाइन. ओके तो यहाँ पे फोर्स क्या है आपका अभी P/2 है. ओके तो P/2 से लेके ये सेंटर का डिस्टेंस कितना रहेगा आपका T1/3 plus T/2. ओके दैट्स व्हाई P/2 into T1/3 plus T/2. अभी माइनस कौन सा मोमेंट करना पड़ेगा मुझे ये वाला बिकॉज ये कौन सा फोर्स हो गया आपका या फिर बेंडिंग मोमेंट हो गया क्लॉक वाइज अबाउट दिस सेंटर लाइन दैट्स वाई P/2 इंटू दिस डिस्टेंस दैट्स वाई T/4 दैट्स वाई माइनस P/2 इंटू T/4. तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा इक्वेशन आ रहा है ये हम इज इक्वल टू कितना आ रहा है P/2 T1/3 माइनस T/4. दिस इज द बेंडिंग मोमेंट ऑफ फॉर द नकल पिन. नाउ वी सी द सेक्शन मॉडुलस. सेक्शन मॉडुलस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए क्या रहता है मेरा π/32 इंटू D1³ बिकॉज इसका डायमीटर कितना है नकल पिन का D1 है दैट्स व्हाई D1³. देन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज M/Z कितना रहेगा ये बेंडिंग मूवमेंट आपने निकाला है यहाँ पे डिवाइड बाय सेक्शन मॉडुलस दैट इज π/32 इंटू D1³. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस. So this is all about the failure of the knuckle pin in bending. The unit outcome achieved in today's lecture are write the design procedure for given curve. जैसे आपने यहाँ पे देखा आप quarter joint और knuckle joint की design procedure लिख पाओगे in the bending stress. Summary of today's lecture. In today's lecture, we see the bending failure of quarter joint and also the bending failure of knuckle joint. The various program outcome achieved in today's lecture are PO1 because here we are using the basic knowledge of math and science. Then PO2 because here we are using the basic knowledge of the mechanical engineering to calculate the bending stress. PO3 because here we are using the various joint to perform the various experiment. PO4 because here we analyze the quarter joint and knuckle joint to analyze the various stresses acting on it. PO5 because here we are taking so much safety precaution while designing the quarter joint and the knuckle joint. PO8 because we are designing the quarter joint and knuckle joint in bending in
various groups. That's why PO8. PO9, because here we share the knowledge to the peer. That's why PO9. PO10, because student can utilize the knowledge throughout its life. That's why PO10. PSO1, because here we are using the various software for analysis of the joint. PSO2, because here we analyze the quarter joint and knuckle joint for identify the bending stress. PSO3, because we can apply the quarter joint and knuckle joint in different application of the engineering. That's why PSO3. In next lecture, we see the introduction about the important question asked in MSBT exam are: explain the bending failure of quarter joint, explain the bending failure of knuckle pin, distinguish between the quarter joint and knuckle joint. Thanks. For any query, contact to me at 9359877398.